नमस्कार दोस्तों, आज हम दिखाएंगे धागा कैसे टूट रहा है तो कैसे सही करें। तो पहले हमें सुई चेक कर लेनी है, सुई यहाँ से सीधी होनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं निकाल लेता हूँ और सुई देख लो, एक खड्डे वाला भाग है, खड्डे वाला भाग पीछे की तरफ रहना चाहिए, ऐसे हम लगाएंगे। ये देखो सुई को मैंने ले लिया है, सुई को मैंने ले लिया और खड्डे वाला भाग ऐसे पीछे की तरफ रहना चाहिए आपका, तभी जाके धागा नहीं टूटेगा और अच्छे से धागा आएगा। ये देखो ये खड्डे वाला भाग पीछे की तरफ होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कारण क्या होता है, ये टेंशन में से दूरा धागा टाइट आता है तो इससे भी आपका धागा टूट सकता है। तो इसको हमें ढीला कर देना है, ढीला करने के बाद इसको खींच के देखना है। ये देखो अच्छे से खींच के आ रहा है, तभी जाके यहाँ पे धागा टाइट नहीं होना चाहिए, तभी जाके धागा नहीं टूटेगा। उसके बाद यहाँ पे डालना है, यहाँ पे जरूर डालना है, तभी जाके अच्छे से सिलाई आएगी, ठीक है दोस्तों। इतना ही करना है, इतना करोगे एक तो आपका मशीन धागा नहीं काटेगी और अच्छे से सिलाई आएगी।